बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नई मुसीबत बन गए हैं। कुशवाहा से पहले नेता नहीं है जो करीब रहते हुए नीतीश कुमार के लिए मुसीबत बने हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी, आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। जीतन राम मांझी तो कुछ दिनों के बाद मान गए, लेकिन पीके और आरसीपी की बगावत जारी है। पूर्व जदयू अध्यक्ष शरद यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने कई बार कह दिया कि जहां चाहे जा सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री अशोक चौधरी समेत कई नेताओं ने नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी छोड़ने की नसीहत दी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि वो अभी भी पार्टी में हैं और अब बाहर जाने के लिए अपनी हिस्सेदारी खोज रहे हैं। कुशवाहा का कहना है कि बड़े भाई और छोटे भाई के बीच जो हिस्सेदारी होती है उसे लिए बिना बाहर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर कुशवाहा का प्रेम कुछ अजीब तरह का है। 17 साल में उपेंद्र कुशवाहा ने 3 बार उनका साथ छोड़ा और वापस आए। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक सफर समता पार्टी से शुरू हुआ। 2000 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद जदयू में समता पार्टी का विलय हो गया। 2005 के विधानसभा चुनाव में हार जाने के बाद नीतीश कुमार से उनके दूरियां बढ़ गई। उसके बाद उन्होंने नई पार्टी बना ली। 2010 में एक बार फिर नीतीश कुमार के कहने पर उपेंद्र कुशवाहा ने घर वापसी की, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए का साथ दिया और नीतीश से फिर दूर हो गए। 2021 में ऐसे हालात बने कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक हो गए। एक बार फिर 2023 की शुरुआत में नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के बीच तनातनी जारी है। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत की थी। नीतीश ने ही जीतन राम मांझी को बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को अपनी कुर्सी पर बैठाया था। सीएम रहते जीतन राम मांझी ने नीतीश के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। यहां तक कि नीतीश कुमार के कहने पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हुए। उसके बाद जदयू और नीतीश कुमार ने मिलकर जीतन राम मांझी को सत्ता से बेदखल करने की मुहिम चलाई। मजबूर होकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नामक पार्टी बनाकर एनडीए में शामिल हो गए और नीतीश के खिलाफ मुहिम चलाई। राजनीतिक घटनाक्रम में जीतन राम मांझी मान गए और नीतीश कुमार के साथ आ गए। आरसीपी के नाम से प्रसिद्ध रामचंद्र प्रसाद सिंह ने भी नीतीश कुमार से बगावत की। पूर्व ब्यूरोक्रेट आरसीपी को नीतीश कुमार ही राजनीति में लाए और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। दो बार उन्हें राज्यसभा भेजा गया और राज्यसभा रहते हुए केंद्र सरकार में मंत्री बने। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह आपस में इतने करीब थे कि आरसीपी को नीतीश कुमार का आंख नाक कान कहा जाने लगा। बाद के दिनों में दोनों के बीच ऐसी दूरी बन गई कि आरसीपी नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए और उन्हें जदयू से निकालना पड़ा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार पर काफी करीबी रहे हैं। उन्हें पार्टी को चुनाव जिताने के लिए नीतीश कुमार ने हायर किया था। बाद के दिनों में वो जदयू का हिस्सा बन गए। नीतीश कुमार ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया। पीके नीतीश कुमार के सलाहकार भी रहे। उन्हें पार्टी के अंदर ऊंची हैसियत हासिल हो गई जो अन्य नेताओं को खटकने लगी थी। एक समय ऐसा आया जब पीके को बाहर का रास्ता दिखाया गया। आज प्रशांत किशोर नीतीश के खिलाफ जन सुराज पद यात्रा पर हैं। शरद यादव और नीतीश कुमार के करीबी रिश्ते के बारे में सभी जानते हैं। शरद यादव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार उनके अंडर में काम कर रहे थे, लेकिन 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ने के फैसले पर शरद यादव नीतीश से सहमत नहीं थे। दोनों के बीच खटास शुरू हो गई, लेकिन 2017 में नीतीश कुमार राजद से दूर होकर फिर से भाजपा के साथ आ गए तो शरद यादव उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर फिर बड़ा जुटान करने जा रहे हैं। हैदराबाद में नए सचिवालय के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया। यह कार्यक्रम 17 फरवरी को होना प्रस्तावित है। हालांकि सीएम नीतीश इसमें शामिल होंगे या नहीं इस पर संशय बरकरार है। पिछले दिनों तेलंगाना के खम्मम में आयोजित केसीआर की रैली में नीतीश कुमार को केसीआर ने नहीं बुलाया था, जबकि अरविंद केजरीवाल, पिनराई विजयन, अखिलेश यादव जैसे
बड़े नेता उसमें शामिल हुए थे। हालांकि अभी तक जेडीयू आरजेडी की ओर से इस कार्यक्रम में जाने को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार केसीआर के कार्यक्रम से किनारा कर सकते हैं। हालांकि उनकी पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह को हैदराबाद भेजा जा सकता है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव इस केसीआर के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केसीआर के इस कार्यक्रम को अहम माना जा रहा है। 18 जनवरी को खम्मम में हुई रैली के दौरान कई नेता शामिल हुए। इसे तीसरे या चौथे मोर्चे के गठन की कवायद के रूप में देखा गया। ये सभी नेता 2024 में बीजेपी विरोधी ऐसे मोर्चा बनाना चाहते हैं जिसमें कांग्रेस शामिल न हो। अब 17 फरवरी को हैदराबाद रैली में भी इस कवायद को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि विपक्षी दलों में पीएम कैंडिडेट और अन्य मुद्दों को लेकर अब भी तकरार की स्थिति है। बिहार सीएम नीतीश कुमार खुद विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। दरअसल नीतीश कुमार, केजरीवाल, केसीआर, ममता बनर्जी सरीखे नेताओं को उनकी पार्टी के लोग विपक्षी पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में सभी नेताओं के हितों में टकराव हो रहा है। साथ ही बीजेपी विरोधी मोर्चे में कांग्रेस को साथ रखने के पक्षधर हैं, मगर सपा, आप, बीआरएस जैसे दल इससे सहमत नहीं है। लोकसभा चुनाव में अब 1.5 साल का वक्त ही बचा है। विपक्षी दलों के नेता मोर्चेबंदी में कितने सफल हो पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।